उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब दबंगों ने महिलाओं को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाने की कोशिश की। महिलाओं ने जैसे तैसे दबंगों के चंगों से भागकर अपनी इज्जत बचाई। मामला जलालाबाद क्षेत्र के ग्राम एलम नगर कटरिया गांव का है, जहां गांव के ही निवासी एक युवक व युवती का प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा था, जिसकी खबर जब लड़की के परिवार वालों को हुई तो परिजनों ने लड़की के ऊपर सख्ती दिखाई और उसका बाहर निकलना बंद कर दिया। कुछ दिन पूर्व ही लड़का और लड़की दोनों फरार हो गए। उक्त मामले लड़की के परिजनों ने लड़के वालों के विरुद्ध जलालाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। मामले में खिसियाए लड़के पक्ष के दबंग परिजनों ने बीती रात लड़की वालों के घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की व निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने की कोशिश की। महिलाओं ने किसी तरह भागकर अपनी इज्जत को तार तार होने से बचाया। इसी दौरान परिवार की एक बुजुर्ग महिला को दबंगों ने पकड़कर जबरन फांसी लगाकर मारने की भी कोशिश की और घर में तोड़फोड़ कर जान से मार देने की धमकी देते हुए फरार हो गए। उक्त मामले में जलालाबाद पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी क्षेत्राधिकारी व कोतवाल ने मौके पर जाकर घटना को देखना तक मुनासिब नहीं समझा। जब पीड़ित परिवार की महिलाएं कोतवाली गई तो करीबन 2 घंटे बाद एक दरोगा व एक सिपाही पहुंचे और मामले की छानबीन कर बिना कोई कार्रवाई कर वापस लौट आए। हमारा किन्ने तोड़फोड़ की? अनीश, राम सागर और चेतराम, अभिषेक, विवेक, उनका लड़का। क्यों मारा पीटा है? तोड़फोड़ क्यों की? उनकी लड़की भगा ले गए, हमारे छोटे चाचा का लड़का, तो उनसे हमारा कोई खान पीन नहीं है। क्या बात थी? किसान लोग हैं, हमको गोरी लोग हैं, भी किसान भैया हैं। क्या बात थी? परिवार ही लौड़िया भजाई ले। हाँ, परिवार ही लड़का और लौड़िया भजाई ले। वो लड़का पेपर दे जाते तो लड़की वालों को और सही घर लड़की ने सिलाई करते थे और पूरे गांव पता जो लड़का ऐसे का काम करते है को ना घर गाँव में रहा था। मैं लड़का को हमारे खाना पीन नाई कताई हम आज तक उनकी डेहरी बना।